और 9 अगस्त को यूपी में पंच प्राण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की होगी शुरुआत। स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक होगा आयोजन। भारत सरकार की वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पंच प्राण के जरिए स्वाधीनता की अलख जगाना है मकसद। तो ये आयोजन सरकारी कार्यालय और स्कूलों तक होगा और पंच प्राण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। तो 9 अगस्त को यह कार्यक्रम रखा गया है। मेरी माटी मेरा सरकारी कार्यालयों तक आयोजन होना है। भारत सरकार की वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पंच प्राण के जरिए स्वाधीनता की अलख जगाना मकसद है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की। 9 अगस्त को यूपी में पंच प्राण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की होगी शुरुआत। स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक होगा आयोजन। भारत सरकार की वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पंच प्राण के जरिए स्वाधीनता की अलख जगाना मकसद है इस आयोजन के पीछे का। तो मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होने जा रही है 9 अगस्त से। स्कूल और सरकारी कार्यालयों तक आयोजन होना है। अजीत सिंह हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अजीत, एक बार बताइए क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ प्लानिंग है सरकार की? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से यूपी सरकार मेरा माटी मेरा गांव प्रोग्राम कर रही है, 9 प्रदेश में पंच प्राण की पूरी शपथ दी जाएगी। मर्यादा मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। उसमें मेरा माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी और बीजेपी पूरी जगह माहौल बनाने के लिए पूरे यूपी में यूपी के बाहर भी यह बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है और इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शौर्य यात्रा निकालेगी बजरंग दल और उसके बाद जो जितने साधु संत हैं वो पद यात्रा निकालेंगे। उसी के साथ ये अभियान भी है, मेरी माटी मेरा देश और मेरा गांव, यानी हर गांव को टच करेंगे, वहां की मिट्टी लाएंगे और अलग अलग जगह से लाके फिर उसको भी राम मंदिर लाया जाएगा। एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ की ये पहल है कि जो लोग बाहर भी रहते हैं उन्हें अपने गांव से अपनी माटी से प्रेम होना चाहिए। उसके लिए 9 अगस्त को इस सबसे बड़े कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। बहुत शुक्रिया जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।